हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो अभी तक आपने देखे होंगे हमारे जीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज भी ऐसा ही एक पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप अगर नेशनल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल की, जैसे रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं नेशनल लेवल के, यूपीएससी के, जिनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? तो एलेक्सी लियोनोव ने सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर चहलकदमी की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? फूल की बात हो रही है दोस्तों, फ्लावर की, तो इसका नाम है दोस्तों रेल्फोसिया अर्नोल्डी इस फूल का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो न्यू कैसल है, वो कार्बन मुक्त शहर है दोस्तों, मतलब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पादित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विधान परिषद में कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं? तो 1/3 भाग जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो पूर्वी अफ्रीका के अंदर विक्टोरिया झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विलियम्स विल्सन को दिया जाता है वाटर पोलो खेल शुरू करने का श्रेय। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वह कौन सा अंग है जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत है, वो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात दर कितनी है? 2011 की बात हो रही है दोस्तों, तो 943 है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विद्यालय में भौतिकी में PhD प्राप्त किए दोस्तों? तो म्यूनिख विश्वविद्यालय से इन्होंने भौतिकी के अंदर PhD प्राप्त किए दोस्तों, वर्नर हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, लौटते मानसून से कोरोम डल तट व तमिलनाडु में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो स्थानीय उच्चचाव इनका प्रमुख कारण है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जीके के क्वेश्चन प्राप्त कर सके दोस्तों। और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।